कहानियों पे चलना है अपनी दुनिया को रंगों से भरना है। नमाजी के सिर पर सकीन मशीन लगाई तो क्या मौजजा रिकॉर्ड हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ मलाइशिया के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की एक टीम ने साइंसदान हाजम दोफेश की कियादत में चंद नमाजियों के साथ AEG मॉनिटर लगाए ताकि नमाज के दौरान इंसानी दिमाग के सिग्नल्स को देखा जा सके। वो ये जानकर चौंक गए कि नमाज के दौरान दिमाग में अल्फा वेव एक्टिविटी में नमाया इजाफा हो गया, बिलखसूस सजदे में तो ये सिग्नल्स अपने उरूज पर पहुंच गए। अल्फा वेव सिग्नल्स ही हैं जो परेशानी में दिमाग को इत्मीनान और सुकून देने में अहम किरदार अदा करते हैं। और कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया था कि बेशक दिलों का सुकून अल्लाह के जिक्र में ही है। इस जदीद मेडिकल रिसर्च से साइंसदान भी मान गए हैं कि नमाज इंसानी दिमाग को सुकून देती है, तो फिर डिप्रेशन, हाइपरटेंशन वगैरह के इलाज के लिए दर बदर भटकने की बजाय अल्लाह की तरफ आओ, यहीं से सुकून और शफा मिलेगी। ये हमने बज़ाहिर अलिफ लिख दिया है, अब
الف کے کمال دیکھ رہے ہیں کہ الف سے لفظ کی طرح بنتے ہیں. یہ دیکھیں جب ہم اس کو کاف بنائیں گے تو یہ ہمارا پہلے الف آدھا کام کیا ہوا ہے. اس کے بعد دیکھیں بیلف با تیلف تا سیلف سا ٹیلف ٹا نون الف نا, یہ تقریباً 8-9 لفظ بنتے ہیں. جب ہم اس کی میم بنائیں گے تو اوپر والا حصہ تھوڑا سا یوں کریں گے تو یہ میم بن جائے گا. جب ہم لام پر پہنچیں گے تو نیچے والی اس کی گولائی دیں گے تو یہ ہمارا لام بن جائے گا. اس طرح بچوں ہماری الف کے ساتھ کئی لفظ بن جائے. اور یہ دیکھیں اگر ہم اس کو مکمل قلم چلائیں تو اس الف کے ساتھ ہمارے یہ کتنے لفظ بن رہے ہیں. یہ یوں سمجھیں ہم اے ٹو زیڈ اسی ون سے بنا لیں گے. یہ بھی ہمارا الف ہے, اس کا انداز ذرا مختلف ہو جاتا ہے.